गुड इवनिंग ऑल द जेंटलमैन, गुड इवनिंग ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो लेट मी स्टार्ट. आई एम डॉक्टर अविरल जैन. आई एम बेसिकली ए सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन, गैस्ट्रो ऑनको सर्जन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर. एंड मैं आई थिंक कुछ इंग्लिश में बोलूंगा, कुछ हिंदी में बोलूंगा. द पर्पस इज टू रीच एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में मैं आज आपको बताऊं. तो मैं डॉक्टर अविरल हूं और कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, पर्टिकुलरली सुपर स्पेशलिस्ट पेट के जो कैंसर है, दैट इज़ माय एक्सपर्टाइज. और ये जो मेरा आज का टॉपिक है, जो ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उसमें मैं यदि कैंसर पेशेंट हूँ या फिर मुझे कैंसर डायग्नोस होता है या फिर मेरा कैंसर का सर्जरी हो चुका है और मुझे आगे कैंसर का ट्रीटमेंट लेना है, तो व्हाट प्रिकॉशन आई शुड टेक. मैं क्या चीज़ें करूँ ताकि मुझे कोरोना से भी मैं अपना बचाव कर पाऊँ और जो कैंसर केयर है वो भी परफेक्ट तरीके से होते रहे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट. कैंसर इज ए स्पेशलिटी. कैंसर एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर मुझे क्योर इज माय मेन इंटेंशन. यदि किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो मेरा इंटेंशन होता है कि वो पेशेंट को मैं बीमारी से ठीक कर सकूँ, उस कैंसर से ठीक कर सकूँ. जब भी किसी पेशेंट को कैंसर होता है, सी पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब किस स्टेज में है. सो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल. एक किसी पेशेंट को इनिशियल स्टेज में देखा और असिस कर पाना कि किस स्टेज में, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, किस स्टेज में है. मतलब उसके मन में जो डर है कि डॉक्टर साहब यदि हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये कहीं फैल तो नहीं जाएगा, ये कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, ये कहीं एडवांस तो नहीं हो जाएगा. एंड दैट इज द मेन वरी. क्यों हम किसी पैंडेमिक के बावजूद भी कैंसर को इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि यदि परफेक्ट राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला कैंसर पेशेंट को, इट कैन बी डिजास्ट्रस. ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है. लाइक एग्जाम्पल, जो कैंसर 2 महीने पहले ऑपरेबल है, शायद वो 2 महीने बाद मैं उसको ऑपरेट करने की स्टेज में ना रहूं. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस आउट करना चाहता हूँ कि कैंसर केयर को इन स्पाइट ऑफ कोरोना पेंडेमिक वी हैव टू गिव सफिशियंट रिस्पेक्ट. हमको कैंसर केयर करनी पड़ेगी चाहे कोरोना पेंडेमिक हो या कोरोना पैंडेमिक नहीं हो. हाँ, ये कोरोना पैंडेमिक है तो हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, बट हमें कैंसर केयर, कैंसर क्योर करनी पड़ेगी. सो ये पहली चीज. दूसरी चीज, यदि कोई कैंसर पेशेंट है जिसका सर्जरी प्लान है, सो क्वेश्चन डॉक्टर साहब हमसे पूछते हैं पेशेंट कि क्या हम इस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं. सी, मेरा क्वेश्चन और मेरा आंसर दोनों आपसे रहेगा नहीं. यदि ये कैंसर सर्जरी ज़रूरी है तो डॉक्टर और डॉक्टर की टीम पूरे प्रिकॉशन के साथ, इवन आपका कोरोना टेस्ट करके फुल प्रिकॉशन के साथ आपका ये कैंसर सर्जरी प्लान कर सकते हैं. इसमें यदि हम परफेक्ट प्रिकॉशन लेते हैं एवरी स्टेज में, आपको कोरोना से होने वाली क्षति इज नहीं के बराबर है. दैट इज मेन थिंग. सेकेंड थिंग जो समझना है कि सपोज करिए मैं कोरोना कैंसर का पेशेंट हूँ, ऑब्वियसली मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं कीमोथेरेपी या कुछ रेडियोथेरेपी, सी कैंसर की कुछ थेरेपीज होती हैं, कैंसर को या हम सर्जरी करते हैं, कैंसर को या हम कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर को या हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, लाइट थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं. सो यदि मेरा ऑपरेशन हो गया है और मैं लास्ट 5 से 6 महीने में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंटली
आपको ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सेशन क्विट नहीं करना है, मिस नहीं करना है। आप सेफली आपसे आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और आपको आपके कीमोथेरेपी के सेशन फिनिश करने हैं। अगेन इम्पोर्टेंटली प्रिकॉशन, आपको ऐसी जगह हम रखेंगे जहाँ पे कोरोना पेशेंट ना हो। कांटेक्ट ट्रेसिंग आपका हम करेंगे, आपका कोरोना टेस्ट ज़रूरी है तो करेंगे। वी विल टेक ऑल द प्रिकॉशन, बट आपकी तरफ से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हमको मिस नहीं करना है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि रेडियोथेरेपी के आपके सेशंस हैं तो रेडियोथेरेपी के सेशंस भी आपको लेने हैं, बिकॉज यदि मैं टाइमली इंटरवेंशन नहीं करूं, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लूं, मे भी ये कैंसर विल प्रोग्रेस, कैंसर बढ़ सकता है, कैंसर स्प्रेड हो सकता है। सो दैट इज ए वन आस्पेक्ट। एक आस्पेक्ट हुआ कि किसी भी कारणवश, इन स्पाइट ऑफ पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वॉट एवर, आई हैव टू गो विद द परफेक्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइन। आपका डॉक्टर, आपकी डॉक्टर की टीम, आपके हॉस्पिटल की टीम पूरा प्रिकॉशन लेगी। सेकेंड आस्पेक्ट, कैंसर पेशेंट जो होते हैं पर्टिकुलरली उनकी इम्यूनिटी लो होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक पेशेंट जिसको कैंसर है, ऑब्वियसली उसका न्यूट्रिशनल मतलब उसकी लड़ने की क्षमता कीटाणुओं से इज ऑब्वियसली लो। मतलब क्या मैं एग्जाम्पल एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट, मेरा पेशेंट और कोरोना पेशेंट, कैंसर पेशेंट में क्या डिफरेंस है? तो कैंसर पेशेंट ऑब्वियसली उसमें कैंसर है। सो नॉर्मल आदमी को जो इन्फेक्शन नहीं हो सकते वो उसको बिल्कुल हो सकते हैं। सो कैंसर पेशेंट इज ए लो इम्यूनिटी पेशेंट, सो ऑब्वियसली ही इज ए हाई रिस्क पेशेंट फॉर गेटिंग कोरोना इन्फेक्शन। फर्स्ट आस्पेक्ट। सेकेंड थिंग ये आपको समझना है सर कि कोरोना जो कैंसर पेशेंट होते हैं पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओल्डर, अबव 50, विच इटसेल्फ इज ए हाई रिस्क फॉर कोरोना। तो कोरोना उन लोगों को ज़्यादा क्षति और हानि पहुंचा रहा है जो 50 साल के ऊपर है। कैंसर उनको है जो जनरली 50 साल के ऊपर है। ऊपर से पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम है। सो ये चीज हमको समझना है कि कैंसर पेशेंट इज मोर प्रोन फॉर कोरोना लॉसेस। तो क्या प्रिकॉशन लें? यदि ये किसी ने, रविनाथ जी मिश्रा जी ने क्वेश्चन भी पूछा कि कैंसर पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेना है। सो पहला प्रिकॉशन, यू हैव टू अवॉइड सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड कॉन्टेक्टिंग विद द पीपल। कम से कम लोगों को मिलना है, आपके जो भी मेन कांटेक्ट हैं, आप जो डॉक्टर मिल रहे हैं उनसे जाके विजिट करना है, हॉस्पिटल में आपको वैसी जहां जहां पे आपको लगता है क्राउड है वो अवॉइड करना है, मास्क लगा के जाना है, फेस शील्ड आती है आपको फेस शील्ड पहनना है, आप कोशिश करें पूरे फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहने। दीज आर स्मॉल स्मॉल प्रिकॉशंस जो आपको इस कोरोना से बचाव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, अच्छा इम्यूनिटी, अच्छा न्यूट्रिशन लें। जो हम बात करते हैं जिंक, विटामिन सी, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यदि कीटाणु आपके शरीर में जाता है तो आप लड़ सकें। सो सेकेंड प्रिकॉशन इज फ्रॉम द न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट। आपको खाना, आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट शुड बी वेरी हेल्थी, इस मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल। इफ यू आर नॉन वेज यू कैन ईट नॉन वेजेस। सो इम्यूनिटी शुड बी वेरी 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 गुड टू फाइट विद दिस कोरोना। सेकेंड आस्पेक्ट। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, जब भी एक कैंसर पेशेंट होता है ही हैज सम फॉर्म ऑफ सब क्लिनिकल किंड ऑफ डिप्रेशन, मेंटली इज सो नॉट सो गुड। उसको हमको मोरल बूस्ट करना है, बिकॉज ये जो कोरोना पेंडेमिक है लास्ट 6 मंथ से चला जा रहा है। हम बाहर नहीं निकले हैं, हमने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की है, तो एक प्रकार का स्ट्रेस हमारे मन में उसके कारण भी है। एक प्रकार का स्ट्रेस मुझे कैंसर है उसका भी है। फैमिली मुझे नहीं पता किस फाइनेंशियली इश्यूज से गुजर रही है। सो ओवरऑल इट इज ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, वेरी। सो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो
प्लीज टॉक टू योर पेशेंट, प्लीज टॉक टू योर फैमिली, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों से दोस्तों से बात करें। मोरल जो कैंसर पेशेंट है उसका ट्राई टू करें कि बूस्टअप हो, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स करने का कोशिश करें। दिस विल गोइंग टू हेल्प फाइट द कोरोना। खुदा ना खास्ता यदि कोरोना हो भी जाए तो पेशेंट के पास इतनी विल पावर हो, हाँ मैं इस कैंसर से और इस कोरोना से भी बाहर निकल पाऊंगा। सी देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम वेरोनिका रॉय। पेशेंट विद जीआई कैंसर में एक्सपीरियंस मोर सीवियर सिम्टम्स सच एज नोशिया एंड डायरिया, इज इट ट्रू? 100% इज इट ट्रू? जीआई ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम माई माउथ टू माई एनल ओपनिंग, वॉट एवर आई एम ईटिंग इज गोइंग थ्रू माई इसोफेगस स्टमक। सो पर्टिकुलरली स्टमक कैंसर्स, इसोफेगस कैंसर्स, दे प्रेजेंट लाइक वॉमिटिंग एंड नोशिया। एंड वेन एवर देयर इज ए इन्फेक्शन, वेन एवर, जब भी कीमोथेरेपी चलती है, जब भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी चलती है, जब भी पेशेंट हायर एंटीबायोटिक लेता है, जब भी पेशेंट ओपियोइड पेन किलर लेता है, एक प्रकार का एक दर्द इंजेक्शन जिसको हम ट्रेमाडोल बोलते हैं, हमेशा उसको पेन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसे हमें ट्रेमाडोल देना पड़ता है। नौशिया और वॉमिटिंग बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, कैंसर पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यदि किसी कैंसर पेशेंट को कोरोना हो जाता है, सो ऑब्वियसली उसे उस कैंसर मेडिकेशन के अलावा कोरोना की मेडिकेशन भी लेना है, तो उस कोरोना मेडिकेशन के कारण भी गैस्ट्राइटिस के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि उसको सीवियर गैस्ट्राइटिस हो तो हमको उसको पीपीआई का ओवरडोज देना पड़ेगा, पीपीआई का डोज देना पड़ेगा, ताकि उसे कम से कम ये जो गैस्ट्राइटिस वाले इश्यूज हैं उससे आराम मिले। सेकेंड आस्पेक्ट, थर्ड आस्पेक्ट, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिकेशन लेने से भी हमारा जीआई सिस्टम अपसेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं लंग्स कैंसर है और मुझे जीआई अपसेट भी है और मुझे कोरोना भी है, सो ऑब्वियसली इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यहाँ पे काफ़ी बैलेंस एंड इफेक्टिव ड्रग्स आपको हमको देनी है ताकि आप इस क्राइसिस से निकल सकें। सो आई अगेन कम टू माई बेसिक टॉपिक कि यदि मुझे इस कोरोना पैंडेमिक में नया कैंसर का सिम्टम्स अपीयर होता है तो मुझे क्या करना है। सी सेकंड, अभी तक हमने डिस्कस किया कि यदि मुझे कैंसर है और मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मेरी राय और मेरा सजेशन कि हमको कैंसर ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद नहीं करना है, हमको बिल्कुल इसको कंटिन्यू करना है। सेकंड, यदि यदि हमको कैंसर डायग्नोस होता है तो बिल्कुल परफेक्ट जो प्री कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके, यस हमको इन्वेस्टिगेशन करने हैं, यस हमको एंडोस्कोपी करनी है, यस हमको बायोप्सी करनी है, यस हमको एवरीथिंग आई हैव टू डू अकॉर्डिंग टू प्री कोविड गाइडलाइन, बिल्कुल बस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, फेस शील्ड, कंप्लीट सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड एंड कोविड टेस्टिंग। कोविड टेस्टिंग इज वेरी असेंशियल बिफोर एनी ऑपरेशन। मैं जब भी किसी कैंसर पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ हमेशा उसके मैं कोविड टेस्ट करता हूँ, यदि निगेटिव है तो हम उसको ऑपरेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोरोना पेशेंट, एक लाइक कैंसर सर्जरी है और कोरोना पॉजिटिव है, यदि मैं उस सर्जरी को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकता हूँ, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, हम उसको होम आइसोलेशन का एडवाइस करते हैं और आफ्टर 10 से 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन हम उसको ऑपरेट करते हैं। सो नरेंद्र नाथ जी ने पूछा है कि कैंसर पेशेंट को प्री कोविड में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है, सपोज करिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी ये हड्डी ब्रोक हो जाती है, या फिर कोई जस्ट फॉर असॉल्ट आपको एक पेट के अंदर, एग्जाम्पल डोंट माइंड, चाकू घुस जाता है, क्या आप ट्रीटमेंट अवॉइड करेंगे? नहीं। कुछ चीजें लाइफ में नेसेसरी, आपको हार्ट अटैक आ जाता है, क्या आप ट्रीटमेंट अवॉइड करेंगे? ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेम लाइक इट इज ए लाइफ असेंशियल सर्विसेज, यू कैन नॉट इग्नोर कैंसर, यू कैन नॉट अवॉइड कैंसर, यू कैन नॉट पोस्टपोन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
तो मुझे उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली तरीके से लेना ही पड़ेगा। सी वेरी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पंकज जी ने पूछा है कि कैंसर पेशेंट यदि हॉस्पिटल विजिट करता है तो क्या प्रिकॉशन लेना। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। पहली चीज, आप टेक ए परफेक्ट प्रॉपर अपॉइंटमेंट विथ योर डॉक्टर। आपने यदि डॉक्टर से बात की है कि मैं 4 बजे आ रहा हूं, डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए कि आप 4 बजे आ रहा हूं। इससे क्या होगा, हॉस्पिटल में आपका अननेसेसरी वेटिंग पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल में वेट नहीं करना है, आपको परफेक्ट टाइम पे आना है, डॉक्टर से मिलना है और चले जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आपके सारे रिकॉर्ड्स लेके आना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है पॉसिबल एक पेपर में लिख के आना है, आपके सारे जो पुराने रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन है वो लेके आना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपको कम से कम आदमी लेके आना है। आप पेशेंट हैं, आपको आना है आपके साथ एक और पर्सन जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको उसके लेके आना है। और आपको ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर एडवाइस करे, जो भी आपको सर्जरी कीमोथेरेपी जो भी एडवाइस करे, उसको आपका उसको और उसको आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मिनिमम लोगों को आना है, कम से कम समय के लिए आना है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ आना है एंड प्रिकॉशन के साथ आना है। प्रिकॉशन के साथ आना है, व्हाट इज दैट प्रिकॉशन, अगेन तीसरी बार बोल रहा हूँ, मास्क लगा के आना है, फेस शील्ड लगा के आना है, नहीं है अब गांव के हैं गमछा लगा के आना है, आपको सैनिटाइजर रखना है, हाथ वगैरह धोता रहना है, अननेसेसरी किसी से बात नहीं करनी है, अननेसेसरी जहाँ पे कई बार हॉस्पिटलों में ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे क्राउड होता है आपको वहाँ नहीं जाना है, लाइक एग्जाम्पल रिसेप्शन, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको दूर रहना है, आपके रिलेटिव को बोलना है जाके पर्ची बनवा के लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर के बाहर वेटिंग लाउंज होता है, कोशिश करें वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर 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 बैठें ताकि आपको कॉन्टैक्ट ना हो। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल प्रिकॉशन जिससे आपका कोरोना होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। चूंकि आप कैंसर पेशेंट हैं, आप नहीं चाहते कि आपको कोरोना हो, आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो, दीज आर स्मॉल प्रिकॉशन। शोभा जी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी कैंसर पेशेंट रिस्क में हैं या फिर जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। तो शोभा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट एक पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया कि जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है ऑब्वियसली वो तो रिस्क पे है ही। क्यों? क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल विजिट्स करना है, उन्हें सीटी स्कैन करवाना है, उन्हें सर्जरी अंडरवेंट होनी है, सर्जरी के लिए जाना है, उनको हॉस्पिटल एडमिट होना है, तो ऑब्वियसली ही इज हाई रिस्क। बट सपोज ए पेशेंट जिसका 2 साल पहले कैंसर सर्जरी हो गया, वो भी एक छोटी सी रिस्क में है, बिकॉज इम्यूनिटी ऑफ कैंसर पेशेंट इज लिटिल लो। मेरे कहने का मतलब है कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। कहने का मतलब कि एक छोटा सा इन्फेक्शन जो शायद मुझे कुछ ना करे, उनको कुछ ज्यादा हार्म और लॉस कर सकता है। सो ऑब्वियसली इफ यू आर ए कैंसर पेशेंट, वंस ए कैंसर पेशेंट स्टिल यू आर क्यूरेबल, यू हैव टू टेक ए वेरी वेरी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। आप अबव 55, 60 हो, 50 हो, आपका 4 साल पहले कैंसर ऑपरेट हुआ है, माई एडवाइस टू यू, आप घर के बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, रिलैक्स रहें, दैट इज माई एडवाइस। तीसरा एस्पेक्ट होता है कि डॉक्टर साहब, कई बार जो पर्टिकुलरली आई बिलोंग टू एरिया इंदौर, वहाँ पे इसी लॉकडाउन में काफ़ी टाइम से हम घर से नहीं निकले हैं, डाइजेशन हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो इस टाइम पे हम कैसे पता लगें कि हमको पेट संबंधित, आई एम स्पेशलिस्ट फॉर एब्डोमिनल कैंसर लाइक सीए स्टोमक, सीए कोलोन, सीए रेक्टम, लीवर कैंसर, पेंक्रियास कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर। तो पर्टिकुलरली जैसे अगेन वेरी नोकेजी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम क्या डाइट लें। सी अगेन मैंने थोड़ी देर पहले ये पॉइंट को रखा, द डाइट शुड बी वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस एंड वेरी एनर्जेटिक फॉर यू। आपको फ्रेश फूड्स खाने हैं, अवेलेबिलिटी यू हैव टू चेक आउट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रोटीन। से आप जब भी कैंसर पेशेंट हैं, हम लोगों का एक रूल होता है 1 ग्राम पर केजी,
यदि मैं 60 ग्राम का पेशेंट है तो 60 ग्राम प्रोटीन उसका डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। आपको देखना है कहाँ से आएगा। आप अंडे खाते हैं तो अंडे खाना है, आप नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाना है, यदि आप नहीं खाते तो भी नहीं, ऑप्शन कोई इशू नहीं है। आपको मूंगफली खाना है, ग्राउंड नट खाना है, पीनट खाना है, पनीर खाना है, ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो। आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल कैबी प्रो, प्रोटीन एक्स, प्रोहेंस HP एंड सो मेनी प्रोटीन पाउडर आर अवेलेबल। आप उनको ले सकते हैं, आप उनको खा सकते हैं। हाइड्रेशन हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी लें। आपको लगता है कि न्यूट्रिशनली आपको जूसेस पसंद है, आपको जूसेस लेना है, बटर मिल्क लेना है, छाछ लेना है, दूध लेना है, दही लेना है, लस्सी लेना है, ऐसी चीज़ें जिससे आपका न्यूट्रिशन बना रहे। सो पर्टिकुलरली जो मैं मेरा जो डिस्कशन कंटिन्यू मैं कर रहा था पेट के कैंसर्स में, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं पेट के कैंसर्स के जिसके कारण पेशेंट को पता चलता है कि हाँ मुझे तकलीफ है, इसलिए मुझे हाँ अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही है, मुझे वॉमिटिंग में खून आ रहा है, या मुझे पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, मेरे पेट में कंटिन्यूअस दर्द बना हुआ है, मुझे भूख नहीं लगती है, या फिर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, खाना खाता हूँ तो उल्टी हो जाती है, या फिर मुझे मेरा वेट लॉस हो रहा है, एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है, मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, मुझे लेटरिंग के रास्ते से खून जाता है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर्स ओवरऑल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछें पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक कैंसर, आपको पेट में बहुत तेज दर्द होगा, कंटिन्यूअस दर्द रहेगा, आपको जॉन्डिस होगा, सो दीज आर द सिम्टम। सो सी दीज आर नॉन स्पेसिफिक। यदि किसी को ये तकलीफ है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये कैंसर है ही, बट माई कंसर्न इज जो मैंने इस कोरोना में ऑब्जर्व किया कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द दिस कोरोना पेंडेमिक, पीपल नॉट कमिंग फ्रॉम देयर हाउसेस, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं इंस्पाइट उनको कैंसर के सिम्टम्स हैं, और जब वो निकल रहे हैं कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में फैल चुका है, एडवांस स्टेज में जा चुका है, एडवांस स्टेज में ग्रोथ कर चुका है, जहाँ पे मुझे उसको क्योर कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योर देना मुश्किल है। तो दैट इज़ माई इशू। सो आपको यदि सिम्टम्स हों पर्टिकुलरली जो अभी मैंने गिनाए, आप उसको अवॉइड ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, वो करवाएगा। सो मेरा जो बार बार कंसर्न है कि आपके सिम्टम्स इग्नोर करने से सी आपका बीमारी दूर नहीं होगा, आपका बीमारी हमारे पास एडवांस स्टेज में आएगा जहाँ पे आई एम नॉट एबल टू क्योर इट। सो परफेक्टली यदि आपको सिम्टम्स हैं, आपको तकलीफ है, और पर्टिकुलरली पेट संबंधित तकलीफ है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से कोरोना का भय, कोरोना का डर, फियर निकालना है, और आपको आपके जो डॉक्टर हैं पास में नज़दीक में उनको विजिट करना है। सी एक रामनाथ जी ने फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो लोग कैंसर से क्योर हो चुके हैं उनके लिए कितना खतरा है। सर खतरा तो है, बिल्कुल खतरा है। सी अगेन पॉइंट इज दैट कि जो कैंसर, लाइक द मेन इशू इज नंबर एज। यदि आप 60 साल के ऊपर हैं, ऑब्वियसली आप कैंसर के पेशेंट हैं, भले ही आप ठीक हो चुके हैं, बट स्टिल मुझे लगता है आपको खतरा है। आपको एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि आप हाई रिस्क पे हैं। आपका न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ों को यदि मैं कंसिडर करूँ, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं इन फॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। यदि आपको लगता है कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, आप तभी बेटर हो पाएंगे, बेटर महसूस करेंगे, बचाव कर पाएंगे। सो माई एडवाइस पर्टिकुलरली ऑल ऑफ यू कि कैंसर्स के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें,
और कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझको अप्रोच कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रविरल जैन हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में बैठता हूँ, जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और आपको वॉट एवर एट एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैंसर काइंडली कॉन्टेक्ट। यदि आप मेरे मुझ तक नहीं पहुँच सकते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके जो भी डॉक्टर हैं, आप उनको अप्रोच करिए। बट मेन थिंग आई एम ट्राई टू कन्वे द मैसेज कि आप आपके सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। आप आपकी तकलीफें बताइए, शेयर करिए, प्रॉब्लम शेयर करिए। अगेन शोभा जी ने पूछा है कि व्हाट कैन बी डन फॉर नमनेस कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। मैडम नाउ दिस इज वेरी एक्चुअली ब्रॉड टॉपिक। मैनी लाइक एग्जाम्पल, कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कॉज करती हैं। लाइक एग्जाम्पल सिसप्लेटिन, जिसमें हमको हमारे हाथों में अजीब से सेंसेशन होते हैं, अजीब सी चुभन होती है, हाइपरअलजेसिया में कुछ भी छींव दर्द होता है या फिर कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिसने डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जिसने आपको दवाइयाँ दी, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं लाइक वी कैन स्टार्ट मल्टी विटामिन्स, वी कैन गिव विटामिन B12 मिथाइल कोबालमिन इंजेक्शन। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्रॉडर आस्पेक्ट। आपके जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपको कीमोथेरेपी एडवाइस की है, ही इज़ द राइट पर्सन टू टेल अबाउट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। बट जो कंसर्न है मेरा यहाँ पे कि किसी भी कारण से हमको अपने कैंसर्स के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। जो लास्ट आस्पेक्ट ऑफ मेरा टॉक है कि व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी अवेलेबल फॉर जीआई कैंसर। सो सी अगेन, किसी भी कैंसर्स की कुछ थेरेपीज होती हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थेरेपी फॉर जीआई कैंसर इज सर्जरी। यदि पेट के कैंसर्स सही टाइम पे ऑनको सर्जन, जीआई ऑनको सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन के पास पहुँचें तो हम उनको क्योर दे सकते हैं। लाइक अर्ली स्टेज में देयर इज़ अ क्योर और गुड ट्रीटमेंट फॉर ईसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर। बट द मेन थिंग इज दैट अर्ली डायग्नोसिस, सही समय पे डायग्नोस करना। पेंक्रियाटिक कैंसर वी कैन डू विपल, हम लीवर कैंसर है उनको रिसेक कर सकते हैं। हमारे पास RFA, माइक्रोवेव अब्लेशन, टेस, बहुत सारी थेरेपी हैं। इवन इन CLD जिनका लीवर ख़राब हो गया है, उनमें मेरे पास बहुत सारी थेरेपी हैं। आई कैन क्योर क्योर मैनी ऑफ देम। यदि कोलोन कैंसर्स हैं, हम उसमें सेगमेंटल रिसेक्शन, हेमिकोलेक्टोमीज, LAR, APR, सो देयर इज लार्ज गैमेट्स ऑफ सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल। कीमोथेरेपी इज अवेलेबल, रेडियोथेरेपी इज अवेलेबल, फ्यू लाइक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, वी हैव इम्यूनोथेरेपी, वी हैव PRRT। सो अभी जो GI कैंसर है इज अ वेरी स्पेशल सब स्पेशलिटी, जहाँ पे प्रिसाइजली एक डॉक्टर पेट के कैंसर्स को ही टारगेट कर रहा है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड, योर कमिटमेंट टू क्योर कैंसर एंड माय कमिटमेंट एज ए डॉक्टर टू क्योर कैंसर। हम दोनों मिलके कैंसर से भी जीतेंगे और भगवान ने चाहा तो हम इस कोरोना पैंडेमिक से भी बाहर निकलेंगे, जल्द से जल्द निकलेंगे और बहुत जल्दी कैंसर और कोरोना दोनों को ट्रीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कोऑर्डिनेट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज। मेरा जो मोबाइल नंबर है आप लिख सकते हैं, 9702124840। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। मैं डॉक्टर रविरंजन, बॉम्बे हॉस्पिटल, धन्यवाद।